नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वी राइडर में। दोस्तों मैं केशव शर्मा आपको बताऊंगा आज खजुराहो मंदिर के बारे में। दोस्तों विश्व विख्यात मंदिर खजुराहो जितने ही आकर्षक हैं उतने ही रोचक हैं। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर भारत के प्रमुख पर्यटक केंद्रों में से तीसरा स्थान रखते हैं। दोस्तों विश्व विख्यात भव्य मंदिरों का निर्माण 1950 से 1050 ईस्वी में कराया गया था। दोस्तों यह विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के कारण यहाँ हजारों लाखों सैलानी देश विदेश से हर रोज आते हैं। भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ खजुराहो मंदिर एवं राजाओं की रियासत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों खजुराहो के इस भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं पूर्व में यहाँ पर 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 25 ही रह गई है। मध्य प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र बने खजुराहो का मंदिर वाकई में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आप कभी खजुराहो मंदिर आते हैं तो आप यहाँ आपको दर्शन मिलेंगे 64 योगिन मंदिर, कदवाई महादेव, मातेश्वर, लक्ष्मण मंदिर एवं चतुर्भुज मंदिर के। दोस्तों यहाँ आप आके आप जानोगे, आप भारत के इतिहास से भी अछूते नहीं रहोगे एवं भारत की प्रगतिशील बुनियाद वैश्विक धरोहर जो किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए उसे अपनी एक पहचान दिलाने के लिए विश्व भर में जानी जाती हैं, उन्हीं में से एक खजुराहो मंदिर जो पूरे विश्व भर में अपने आकर्षण के लिए जाना जाता है। भारत के हृदय स्थल में बसा मध्य प्रदेश, उसमें बसा खजुराहो। दोस्तों मध्य प्रदेश में ऐसे इतिहास से जुड़े अन्य कई बहुत ही ऐसे बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो अपने होने मात्र से अपने इतिहास का गवाही देते हैं। तो दोस्तों आइए कभी खजुराहो एवं जुड़िए भारत दर्शन के प्राचीन धरोहरों से। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबाना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और जाने भारत की